हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इतने टेस्टी और क्रंची स्नैप की रेसिपी लेके आई हूँ। क्या आप इन्हें एक बार बना के खाएंगे तो दोबारा ज़रूर बनाने का मन करेगा। आप किसी भी चटनी के साथ इन्हें इंजॉय कर सकते हैं, घर में सबको बहुत पसंद आएंगे। तो इसके लिए हमने बॉईल किए हुए आलू लिए हैं और ये लहसुन, और हमने दो हरी मिर्च कूट ली थी। हाफ टी स्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून गर्म मसाला, हाफ टी स्पून धनिया और नमक अपने स्वाद अनुसार घेर के अच्छे से हम आलुओं को मिला लेते हैं। मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। तो अब इसके लिए हम थोड़ा मैदा गूंथ लेते हैं। तो हमने ये मैदा ले लिया है 200 ग्राम के करीब, यानी एक कटोरी। हाफ टी स्पून नमक गिर के और 2 टी स्पून हमने इसमें रिफाइंड ऑयल गिरा है। तो रिफाइंड ऑयल को अच्छे से हमें मैदा में मिलाना है हाथों की मदद से, ताकि मैदा एकदम बंध जाए। देखिए, इस तरीके का मैदा होना चाहिए आपका। अब थोड़ा थोड़ा पानी गिर के हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा सख्त सा हमें डो तैयार करना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। तो बस थोड़ा सा हमने पानी गिर के इसमें, और हमने एक थोड़ा सख्त सा डो तैयार कर लिया है। तो बस डो को भी हम रख देते हैं साइड में। अब इसकी हम लोइयां काट लेते हैं। तो लोई हमने काट ली है और चकले पे थोड़ा सा ऑयल लगा के हमें इसकी बड़ी सी रोटी बेलनी है, और बीच में कोई भी ढक्कन आप रख दीजिएगा। और जो हमने मसाला बना के तैयार किया था वो हम किनारे किनारे सारे मसाले को लगा देते हैं। एक पतली सी लेयर हमें लगानी है, ज़्यादा मोटी आप नहीं रखिएगा। अब ढक्कन हटा देते हैं हम इसका, और ढक्कन हटा के बीच में थोड़ा पानी लगा देते हैं। ये खाने में इतना टेस्टी लगता है नाश्ता कि आप एक बार बनाएंगे तो घर में सबको बहुत पसंद आएगा और बहुत जल्दी बन भी जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे किचन में आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। तो अब क्या करना है, हमने देखिए इनके चाकू की मदद से पीसेस काट लिए थे, 8 पीसेस काटे थे और इस तरीके से रोल बना लिए हमने। तो बस दबा के अब ऑयल हमने गैस पे चढ़ा दिया है। एक एक करके हम इसमें 4 पीस पहले गिरेंगे, 1 मिनट थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे और उसके बाद हम सारे पीसेस इसमें गिर देंगे। तो देखिए, सारे पीसेस हमने गिर दिए हैं। उलटते पुलटते हम इन्हें धीमी आंच पे हमें सेक लेना है, और धीमी आंच पे इन्हें 5 मिनट बस सेकना है, क्योंकि 5 मिनट से ज़्यादा तो ये सिकेंगे ही नहीं। और 5 मिनट में एकदम खस्ता क्रंची एकदम स्नैप की रेसिपी तैयार है बनके। तो आप खाएं, सुबह शाम किसी भी टाइम आप चाय के साथ या चटनी के साथ इंजॉय कर सकते।